अगर आप भी राम जी के साथ कुछ इस तरीके का फोटो इमेज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे टी शर्ट के ऊपर आपका नाम भी लिखा हो और राम मंदिर के साथ बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं। और मैं आपको अलग अलग तरीके का इमेज बना के भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप राम जी का इस तरह का फोटो देख रहे हैं। इसके अलावा जो बचपन का राम जी का फोटो जो इमेज होता है, इस तरीके का, ये भी आप बना सकते हैं और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है, जो कि बिंग ऐप है। इस ऐप को यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस पे आपको टैप करना है और इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए ऊपर यहाँ पे टैप करेंगे और आपको किसी भी ईमेल आईडी या फिर स्मार्टफोन से यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। अगर आपको साइन इन करने में दिक्कत आ रही है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका सिंपली आपको इस होम स्क्रीन पर जाना है। होम स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पे मिल जाता है इमेज क्रिएटर। इमेज क्रिएटर पर बस आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली ऐसा आपको कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से बस आपको कॉपी करना है और इस तरीके का आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, पुनीत नाम लिखा हुआ है, तो इसको आप चेंज करके अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे इस पर मैं चेंज करके यहाँ पे अगर राज लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं राज अगर लिख देता हूँ, उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप जो भी नाम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। थोड़ा सा वेट आप करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इमेज यहाँ पे बन के आ चुका है। यहाँ पे सिंपली आप टैप करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इमेज यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आपको चार अलग अलग तरीके से मिल जाता है इमेज। आप जिसको चाहें वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो इसको डाउनलोड करने का स्टेप यहाँ पे है कि आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपके गैलरी में देख सकते हैं ऊपर सेव हो चुका है। वहाँ से जाके इसको आप कैपकट से मोशन इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दूसरा प्रॉम्प्ट भी दूंगा, उसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चाइल्डहुड का मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर आपको दूसरा कोई इमेज क्रिएट करने के लिए आपको फिर से इस वाले पेज पे आ जाना है, जहाँ पे इमेज क्रिएटर पर क्लिक करके आपने आया था। फिर आपको दूसरा जो प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप यहाँ पे ऐसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको बस सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्री राम जी का जो बचपन वाला फोटो है, उस तरीके का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे बन चुका है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और प्यारा भी लगता है। देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दूसरा इमेज होना चाहिए, तो इसमें आप फिर से आप दोबारा यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे फिर से दोबारा क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपको दूसरा बन के आ जाएगा। उसको भी आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का सिंपल सा स्टेप है, ऐसे सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।